हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गुजरात के पोर्ट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अगला पोर्ट है अलंग। अलंग की अगर हम बात करें, ये भावनगर से 50 किलोमीटर दूर स्थित है। इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति की अगर हम बात करें, लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन की बात करें, तो 21 डिग्री 21 मिनट नॉर्थ एंड 72 डिग्री 12 मिनट ईस्ट में हमें ये देखने के लिए मिलता है। ये भावनगर वेरावल कोस्टल एक्सप्रेस वे से कनेक्टेड है। और अलंग आप लोगों को पता ही है, ये जाना जाता है शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है कि अलंग किस लिए जाना जाता है, शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री के लिए। इन 1979 यहाँ पे शिप ब्रेकिंग 1979 ऑनवर्ड्स जो है शिप ब्रेकिंग यहाँ पे शुरू किया गया था। और मेन और इसके अलावा यहाँ पे री रोलिंग जो इंडस्ट्री है उसके लिए भी रॉ मेटेरियल्स का अरेंजमेंट यहाँ पे किया जाता है। फिर है पीपावाव बंदर, पीपावाव पोर्ट। पीपावाव पोर्ट की अगर हम बात करें तो ये गल्फ ऑफ कच्छ कच्छनी आघात में ये स्थित है। उसकी अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति की अगर हम बात करें, लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन की अगर हम बात करें, तो 22 डिग्री 54 मिनट नॉर्थ एंड 72 डिग्री 31 मिनट ईस्ट में ये लोकेटेड है। ये भावनगर से साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर 140 किलोमीटर की दूरी के ऊपर हमें देखने के लिए मिलता है। ये बंदर 12 महीने खुला रहता है, 12 मंथ्स ओपन रहता है। यहाँ पे प्रोटेक्टेड गेट्स का फैसिलिटी है। पीपावाव जो पोर्ट है, यहाँ पे फर्स्ट प्राइवेट पोर्ट जो है कंट्री के रूप में ये जाना जाता है। बीओटी पॉलिसी के तहत इसका डेवलपमेंट किया गया है। ये 1996 से ऑपरेशनल है ये पोर्ट। ये एक मल्टीपर्पज बर्थ फैसिलिटी है। यहाँ पे 725 मीटर लॉन्ग यहाँ पे हैंडलिंग सॉलिड बल्क के लिए देखने के लिए कैपेसिटी देखने के लिए मिलती है। फिर यहाँ पे कंटेनर वन लिक्विड बर्थ भी ही है और हैंडलिंग ऑफ लिक्विड कार्गो भी होता है। इसके अलावा इस पोर्ट का जो मैनेजमेंट है एपीएम नियरस्क के द्वारा किया जाता है। जीपीपीएल ने इसका एक्सपेंशन प्लान इसका प्रोवाइड किया है, जिसके तहत इसके अंदर डेवलपमेंट 385 मीटर का कंटेनर बर्थ का किया जा रहा है और डीपनिंग एंड नेविगेशनल चैनल भी जो है वो भी यहाँ पे बनाया गया है। फर्दर एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो वो भी जीबीपीएल के द्वारा प्लान किया जा रहा है। ये जो पोर्ट है इंडिया के फर्स्ट प्राइवेट पोर्ट्स के रूप में, और डबल स्टेकर्ड कंटेनर ट्रेन की कैपेसिटी भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। तो ये फर्स्ट पोर्ट है इंडिया का जिसमें ये फैसिलिटी आपको पीपावाव पोर्ट में देखने के लिए मिलती है। यहाँ इसकी कैरिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करें 180 TUs है, और इसके अलावा 19 TUs जो है वो सिंगल स्टेक ट्रेन के द्वारा ले के जाए जाते हैं। 1998 के अंदर इस पोर्ट को गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड को गुजरात मैरिटाइम बोर्ड के द्वारा अवार्ड दिया गया था। 2000 के अंदर इसने जॉइंट वेंचर के द्वारा रेलवेज के द्वारा पीपावाव रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की फैसिलिटी यहाँ पे शुरू हुई। फिर कमर्शियल ऑपरेशन जो है यहाँ पे 2002 से हमें देखने के लिए मिलता है। 2005 में यहाँ पे एपीएम टर्मिनल्स जो है उसका मेजॉरिटी स्टेक था। मेजर प्रोजेक्ट जो यहाँ पे कंप्लीट हुआ है ओवरऑल 209 तक ये पूरा कंप्लीट हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में भी इस पोर्ट का जिक्र आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे सियालबेट आइलैंड है जो कि नेचुरल ब्रेक वाटर की फैसिलिटी देता है, जिस वजह से ये पोर्ट यहाँ पे डेवलप हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे एक ये कहते हैं फिशिंग कम्युनिटी भी हमें देखने के लिए मिलती है, जो कि इसको मेनलैंड से कनेक्टेड पार्ट के अंदर मेनली इनहेबिट करती है। इस पोर्ट के अदर कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो मेजर ट्रेडिंग रूट्स को ये कनेक्ट करता है। यहाँ पे मेजर इंडियन पोर्ट ऑफ नहवा शेरदा 160 NM दूर हमें देखने के लिए मिलता है। डर्श फैसिलिटी यहाँ पे 14.5 मीटर ड्राफ्ट की है। 8 क्वेरे क्रेन्स हैं यहाँ पे कंटेनर्स के लिए। 2 मोबाइल हार्बर क्रेन्स हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं जो कि कार्गो के हैंडलिंग करती हैं। फिर कैप्टिव रेफर पोर्ट की फैसिलिटी भी है यहाँ पे। अगला पोर्ट है देहज। देहज गल्फ ऑफ खंबात, खंबातनी आघात के अंदर स्थित बंदर है। इसकी अक्षांशीय देशांतर स्थिति की अगर हम बात करें, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन की अगर हम बात करें, तो 21 डिग्री 41 मिनट नॉर्थ एंड 72 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में ये है। और ये एज ए ग्रीन फील्ड पोर्ट के रूप में ये स्थापित किया गया है। ये गांधार ऑयल फील्ड रीजन और गैस रीजन के पास में है। तो मेनली जो गांधार से ऑयल और गैस आता है उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस पोर्ट के द्वारा किया जाता है। ये पोर्ट भरूच से 45 किलोमीटर दूर है, वहीं वडोदरा से 108 किलोमीटर दूर है। और इन दोनों से बहुत अच्छे से वेल कनेक्टेड है। 4 लेन
हाईवेज के द्वारा, नेशनल हाईवे सॉरी यहाँ पे इंडियन रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो भरूच नियरेस्ट इंडियन रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे ब्रॉडगेज रेलवे लाइन हमें देखने के लिए मिलती है। भरूच से देहज के बीच में भी ब्रॉडगेज रेलवे लाइन बनाने का काम जो है वो चल रहा है, ये SPV और RVNL के द्वारा किया जा रहा है, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 285 करोड़ मानी गई। नियरेस्ट एयरपोर्ट की अगर हम बात करें यहाँ से, तो वडोदरा नियरेस्ट एयरपोर्ट है। फिर ये पोर्ट बहुत अच्छे से मुंबई और दिल्ली से भी कनेक्टेड है गोल्डन कॉरिडोर के द्वारा। एंकरेज फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो इससे 5 किलोमीटर दूर देहज ओल्ड पोर्ट पे हमें एंकरेज फैसिलिटी देखने के लिए मिलती है। और दूसरे फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट्स की अगर हम बात करें, टग्स, लॉन्चेस, बार्गेजेस, क्रेन्स जो है प्राइवेट पार्टीज ओल्ड दहेज पोर्ट के पे अवेलेबल है। फिर कैप्टिव जेटीज भी फिटेड है कार्गो हैंडलिंग इक्विपमेंट से। ट्रांजिट शेड से गोडाउन्स में अगर हम बात करें तो एक ट्रांजिट शेड गोडाउन है यहाँ पे, जिसके जो 1160 स्क्वायर मीटर एरिया पे फैला हुआ है। फिर ट्रांजिट दो ट्रांजिट शेड्स हैं जो कि 1690 स्क्वायर मीटर एरिया पे फैले हैं। प्लेटफॉर्म फॉर स्टोरेज 5 है यहाँ पे जो 10,000 स्क्वायर मीटर एरिया पे फैले हैं, और 21,300 स्क्वायर मीटर कच्छ के ऊपर हमें दो और शेड्स देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ का ओल्ड पोर्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे ओल्ड GMB गुजरात मैरिटाइम बोर्ड जेटी है, जो कि 100 मीटर की लंबाई है, और ये अपग्रेडेड किया गया है वेलस्पून कंपनी लिमिटेड के द्वारा। लीज एंड पोजेशन एग्रीमेंट जो एग्जीक्यूट किया गया है ये गुजरात मैरिटाइम बोर्ड के द्वारा किया गया है, और शंघाई इंडस्ट्रीज के द्वारा यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे सीमेंट और के स्टोरेज उसकी पैकेजिंग का कार्य भी हमें देखने के लिए मिलता है, और टोटल 6,000 स्क्वायर मीटर का जो एरिया है वो बैकअप लैंड के द्वारा यूज बैकअप लैंड के रूप में अलॉट किया गया शंघाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड को। सप्लाईज की अगर हम बात करें तो वाटर सप्लाईज जो है शिप्स को प्राइवेट वाटर बर्जेस के द्वारा की जा रही है। फिर इलेक्ट्रिसिटी 66 KVA स्टेशन है दक्षिण गुजरात विच कंपनी लिमिटेड जो है देहज के अंदर, उसके द्वारा सप्लाई की जा रही है। कॉमोडिटीज जो हैंडलिंग की जाती है पोर्ट देहज पोर्ट के द्वारा, उसमें फर्टिलाइजर्स, रॉक फॉस्फेट, कोल, कोक और सॉल्ट हमें देखने के लिए मिलता है। कैप्टिव जेटीज के अंदर अगर हम बात करें, देहज हार्बर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बिरला कॉपर है। फिर गुजरात केमिकल पोर्ट टर्मिनल कंपनी लिमिटेड GCPTCL है, पेट्रोनेट LNG लिमिटेड, फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL है, उसके अलावा पेट्रोनेट अदानी RO टर्मिनल है यहाँ पे। शिपयार्ड्स की अगर हम बात करें देहज में, ABJ शिपयार्ड लिमिटेड एंड शॉफ्ट शिपयार्ड लिमिटेड जो है इसकी फैसिलिटी भी हमें देखने के लिए मिलती है। फिर अगला पोर्ट आता है जफराबाद। जफराबाद जो है ये ऑल वेदर डायरेक्ट बर्थिंग पोर्ट है स्मॉल ओशन गोइंग वेसल्स, छोटे जो ओशन के व्हीकल्स वेसल्स होते हैं वही यहाँ से जाते हैं। ये गल्फ ऑफ कैम्बनी अघात के अंदर स्थित है। मेनली ये सौराष्ट्र के अंदर जाफराबाद क्रीक से साउथ वेस्ट की तरफ लोकेटेड हमें देखने के लिए मिलता है। जाफराबाद बंदर से दूरी पे जाफराबाद शहर है, जो कि नेशनल हाईवे नंबर 8E से कनेक्टेड है, जो यहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है। फिर राजुला यहाँ पे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, जो कि ब्रॉडगेज रेलवे लाइन से कनेक्टेड है, जो कि सिर्फ यहाँ से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। नियरेस्ट एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो दीव नियरेस्ट एयरपोर्ट है, जो यहाँ से 75 किलोमीटर दूर है। एंकरेज फैसिलिटी की अगर हम बात करें, गुड एंकरेज फैसिलिटी अवेलेबल होती है फाइन वेदर के टाइम पे। 2.5 किलोमीटर फ्रॉम शोर तक हमें देखने के लिए मिलता है, डार्क 14 मीटर तक का यहाँ। नेविगेशन एड्स जो अवेलेबल हैं, 3 नेविगेशन टावर्स सिचुएटेड है यहाँ पे। 2 टावर्स तो सिचुएटेड हैं आपका पीपली कांथा में नॉर्दर्न बैंक के ऊपर, फिर स्मूथ बर्थिंग है क्लिंकर जेटी के ऊपर। फ्रंट टावर में फिक्स्ड रेड लाइट है और जबकि रियर टावर जो यहाँ पे फिक्स्ड व्हाइट लाइट की फैसिलिटी देखने के लिए मिलती है। फिर एक टावर है जहाँ पे फिक्स्ड रेड लाइट और वेस्टर्न बैंक के ऊपर एंड ब्रेक वाटर हमें देखने के लिए मिलता है। हार्बर स्ट्रक्चर क्या है यहाँ का, क्या क्या हमें इस बंदर के ऊपर क्या क्या चीज़ें बनी हुई देखने के लिए मिलती है, तो RCC जेटी है फॉर लोडिंग द क्लिंकर्स। फिर इसके अलावा इसकी जो लेंथ है वो 211 मीटर की है, परमिसेबल ड्राफ्ट 4 मीटर तक का है। लोडिंग जो है मैकेनिकली ही कन्वेयर बेल्ट के द्वारा की जाती है। RCC बेल्ट लोडिंग ऑफ सॉल्ट और मिसलेनियस कॉलों के लिए यूज होता है, जिसकी लेंथ 45 मीटर है। स्लोप फॉर कार्गिंग वेसल्स जो है वो भी अवेलेबल है 30 मीटर तक। देन फिश लैंडिंग व्राफ जो है वो 450 मीटर लेंथ तक अवेलेबल है। पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की अगर हम बात करें, यहाँ पे बर्थिंग फैसिलिटी है, न्यू क्लिंकर जेटीज है स्मॉल कोस्टल स्टीमर्स के लिए, जिसकी लेंथ 2
111 मीटर्स है और 4 मीटर तक का ड्राफ्ट में देखने के लिए मिलता है। स्मॉल कोस्टल स्टीमर्स बर्थ जो है वो न्यू क्लिंकनर जेटी के द्वारा देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे क्लिंकनर एक्सपोर्ट के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके अलावा एक्सपोर्ट ऑफ कोल कोक जो है इसके लिए यूज किया जाता है। इसके कुछ जो पार्ट है वो नर्मदा सीमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जाफराबाद अल्ट्राटेक लिमिटेड कॉरपोरेशन जो है उनके द्वारा ये कहते हैं मेजर पार्ट जो है एक्वायर किया गया। आरसीसी जेटी यहाँ पे सेलिंग वेसल्स टैरिफ के लिए यूज किया जाता है, जिसकी लेंथ 45 मीटर है, ड्राउट 1 मीटर तक का है। 1 फिशिंग लोडिंग वार्फ है, फिशिंग एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता है, इसकी लेंथ 400 मीटर है और विथ अ सुटेबल ड्राफ्ट। 3 यहाँ पे लैंडिंग स्लोप्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, जिसकी लेंथ जो है 30 मीटर है और 0.3 मीटर तक का ड्राफ्ट पैसेंजर और स्मॉल बोट्स के लिए। कार्गो हैंडलिंग की अगर हम बात करें, नर्मदा कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट कॉरपोरेशन जो है ये क्लिंकनर की ई कन्वेयर बेल्ट के हेल्प से मेनली लोडिंग अनलोडिंग करते हैं। 600 मिलियन टन पर आर तक की इसकी कैपेसिटी है। इसके अलावा कोल भी यहाँ से डिस्चार्ज किया जाता है, इसके लिए क्रेन्स का यूज किया जाता है, जिसकी पर डे की कैपेसिटी 9,000 to 10,000 मिलियन टन तक की। वेयर हाउस एंड स्टोरेज फैसिलिटी की अगर हम बात करें, यहाँ पे 7 गोडाउन है, 7 गोडाउन है जिसका टोटल एरिया 1,310 स्क्वायर मीटर है और टोटल स्टोरेज कैपेसिटी 2,500 मिलियन टन तक की है। सफिशियंट ओपन स्पेस भी यहाँ पे अवेलेबल है। कॉमोडिटीज जो हैंडल होती है यहाँ से, जो चीजें इम्पोर्ट की जाती हैं उसमें है कोल, कोक और एक्सपोर्ट जो की जाती है, यहाँ से बेची जाती है, वो क्लिंकनर और सॉल्ट। फिर आता है मगधल्ला पोर्ट। मगधल्ला पोर्ट कंभादनी आघात में है, गल्फ ऑफ खंबात में है। इसके अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति की बात करें, लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन की अगर हम बात करें, 21 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ एंड 72 डिग्री 44 मिनट ईस्ट में ये है। और तापी नदी का जो मुख है, तापी नदी जो समुद्र के अंदर गिर रही है, वहां पे मगधल्ला पोर्ट हमें देखने के लिए मिलता है। और ये जो बंदर है ये 12 महीने खुला रहता है, 12 मंथ्स ओपन रहता है, प्रोटेक्टेड गेट्स है, यहाँ पे सुरक्षित दरवाजे हैं। लाइटरेज पोर्ट है इसके दक्षिण के अंदर और यहाँ पे 16 मीटर अपस्ट्रीम पे के ऊपर रिवर पे देखने के लिए मिलता है। ये वेल कनेक्टेड है, स्टेट हाईवे यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है मगधल्ला पोर्ट से। नेशनल हाईवे नंबर 8 सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन अगर हम बात करें, जो ब्रॉडगेज रेलवे लाइन 15 किलोमीटर दूर मगधल्ला पोर्ट से हमें देखने के लिए मिलती है। सूरत रेलवे स्टेशन यहाँ से सिर्फ 16 किलोमीटर की दूरी पे। एंकरेज फैसिलिटी की अगर हम बात करें, डीप वाटर एंकरेज 15 नॉटिकल माइल्स साउथ वेस्ट में हमें मगधल्ला पोर्ट के देखने के लिए मिलता है, जो कि अप्रोच करता है 16,000 मीटर की लेंथ को और 150 मीटर इसकी विड्थ है। यहाँ पे फैसिलिटीज की अगर हम बात करें, फ्लोटिंग यूनिट्स एक है यहाँ पे, पेट्रोलिंग के लिए भी बोट यहाँ पे ऑपरेशनल है, ISPS कोड 470 BPH के तहत। फिर वर्क बैरेज यहाँ पे 100 MT तक है। क्रॉलर क्रेन है यहाँ पे जिसकी कैपेसिटी 16 मिलियन टन है और बूम लेंथ जिसका 1740 फीट है। कंप्यूटराइज वेट ब्रिज है यहाँ पे जिसकी कैपेसिटी 100 MT है और ओपन प्लॉट्स स्टोरेज के लिए खुले कहते स्टोरेज मैदान जो है वो 6 है, जिसका एरिया 29,644 स्क्वायर मीटर तक है। गोडाउन यहाँ पे एक है, क्लोज गोडाउन, वो डिपार्टमेंटल स्टोर और वर्कशॉप के रूप में यूज किया जाता है। फिर वेसल टैरिफ और पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी यहाँ पे है। ये एक माइनर पोर्ट है गुजरात का, जो कि जिसके पास ओन वेसल टैरिफ एंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और सेफ नेविगेशन की फैसिलिटी हमें देखने के लिए मिलती है, क्योंकि तापी रिवर का जो भी समुद्र के अंदर मिल रही है वहाँ पे थोड़ी चौड़ी है और लॉन्ग नेविगेशनल चैनल हमें देखने के लिए मिलता है। देन VTPMS स्टेशन है यहाँ पे, जो कि क्लॉक मैनेज्ड है, क्वालिफाइड मास्टर ट्रेनर्स मास्टर मैराइनर्स जो हैं वो इसका यूज करते हैं। फिर यहाँ पे रडार सिस्टम है, AIS वेदर स्टेशन है, VHF HF सेट्स, टेलीफोन फैक्स, कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक चार्ट्स की फैसिलिटी भी हमें देखने के लिए मिलती है। हार्बर स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो GMB RCC जेटी एक है यहाँ पे, उसके अलावा GMB RCC जेटी 2 हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। कैप्टिव जेटीज के अंदर अगर हम बात करें, KRI BHCO, फिर SRST लिमिटेड, SR स्पॉन्ज आयरन जेटी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लार्स एंड टर्बो लिमिटेड, गुजरात अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, सिंगल बॉय मॉर्निंग ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज का हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। प्राइवेट शिपयार्ड्स के अंदर अगर हम बात करें तो ABG शिपयार्ड लिमिटेड है और LNT शिपयार्ड हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। प्राइवेट पोर्ट्स के अंदर हजीरा पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड है यहाँ पे। JVM जेटी नंबर 1 जो है वो 200 मीटर्स की लेंथ है, लंबाई है
है और उसकी ब्रेथ जो है पौड़ाई जो है उसकी 21 मीटर की है। कार्गो हैंडल जो मेनली करता है वो जो इम्पोर्ट की जा रही है जेटी नंबर 1 से, यानी कि आयात की जाने वाली चीजें हैं रॉक फॉस्फेट कोल मशीनरी। निर्यात की जाने वाली एक्सपोर्ट की जाने वाली है मिल स्केल सोयाबीन और मोलासेस। जेटी नंबर 2 जो है ये एनसीसीएल के द्वारा यूज किया जा रहा है, इसकी लेंथ 143 मीटर्स और इसकी ब्रेंथ जो है यानी कि इसकी पौड़ाई जो है वो 11 मीटर है। ये जेटी यूज हो रहा है एनसीसीएल के द्वारा जो कि प्रेजेंटली आदित्य बिरला ग्रुप ने टेक ओवर कर लिया है। यहाँ से जो इम्पोर्ट की जा रही चीजें आयात की जा रही हैं वो है बल्क सीमेंट जो कि पीपावाव से आ रहा है, फिर क्लिंकनर से आ रहा है क्लिंकनर आ रहा है जाफराबाद पोर्ट से। फिर ऐसा जेटी है, ऐसा जेटी की लेंथ 157 प्लस 590 यानी कि टोटल 1049 मीटर हमें देखने के लिए मिलता है। इसकी ब्रेथ इसकी जो चौड़ाई है वो 12 मीटर्स तक है। ये इस 1989 ऑनवर्ड्स ये जेटी काम कर रही है। यहाँ पे कार्गो हैंडलिंग जो किया जाता है ऐसा जेटी के द्वारा वो इम्पोर्ट की जाती है यानी कि आयात किया जाता है रॉ मटेरियल जैसे कि आयरन और स्क्रैप लाइमस्टोन पिग आयरन स्टील स्लैब्स, और एक्सपोर्ट जो की जाती है यानी कि यहाँ से जो बेची जा रही चीजें वो एचआर कॉयल्स हैं, स्टील है, आयरन ऑयल फाइंस हैं। फिर यहाँ पे एक रिलायंस जेटी है, रिलायंस जेटी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कंस्ट्रक्ट करी है। 3 कैप्टिव जेटीज हैं यहाँ पे जो इसके द्वारा बनाई गई है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ ग्लासेस किया जा रहा है, आयात निर्यात किया जा रहा है गैसेस का, फिर केमिकल्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मेनली हमें देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्ट किया जा रहा है यहाँ से वो है आपका EDCL इथाइलिन, इथाइलिन 1 VCM, फिर कहते हैं इम्पोर्ट आयात कर रहे हैं ईरान, वेस्ट बल्गेरिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ब्राज़ील और दूसरे देशों से। एक्सपोर्ट जो किया जा रहा है रिलायंस जेटीज के द्वारा जो चीज़ें बेची जा रही हैं वो इथाइलिन, ब्यूटाडीन, बेंजीन मिक्स, C4, ये सिक्का, देहज, मुंबई, रत्नागिरी, कोचीन और दूसरे और बंदरों को से एक्सपोर्ट हो रही है, उन बंदरों को भेजी जा रही है यानी कि देश के दूसरे अन्य भागों में जा रही है। फिर रिलायंस का सिंगल बॉय मॉर्निंग एक कहते हैं यहाँ पे रीजन है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है जिसके अंदर पाइपलाइंस रखी हैं इन्होंने और पाइपलाइंस के थ्रू लिक्विड कार्गो जो है ठीक है वो उसका कमेंसमेंट या उसका ऑपरेशन होता है या उसको बेचा जाता है। ये 1995 से ये काम कर रहा है। यहाँ पे जो इम्पोर्ट किया जा रहा है इन पाइपलाइंस के थ्रू वो है नेफ्ता, पैरेक्सिलीन, HSD, मोटर स्पिरिट, सिक्का से, फिर UAE, बहरीन, कुवैत से भी चीज़ें जो इम्पोर्ट की जा रही हैं, आयात की जा रही हैं, एक्सपोर्ट जो चीज़ें की जा रही हैं ऐसे जो बेची जा रही हैं वो है नेफ्ता, ये सिक्का को किया जा रहा है, फिर ONGC भी यूज़ कर रही है इसको, SBM भी एक्सपोर्ट कर रही है, नेफ्ता एक्सपोर्ट हो रहा है कोरिया को, UAE को, सिंगापुर को। फिर लास्ट एंड टर्बो जेटी, ये 72 मीटर लंबा है, 90 मीटर इसकी पौड़ाई है, इसकी ब्रेथ जो है वो 16 मीटर 10 मीटर तक देखने के लिए मिलती है। LNT की कैप्टिव जेटीज जो है वो मेनली जो कार्गो हैंडल कर रही हैं, जो चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं आयात हो रही हैं इससे, वो मशीनरी स्टील है, मुंबई हाई से, फिर अबू धाबी से भी चीज़ें इंपोर्ट की जा रही हैं, फिर एक्सपोर्ट जो की जा रही है मशीनरी एक्सपोर्ट की जा रही है, निर्यात की जा रही है मुंबई हाई। फिर है GACL जेटी, ये 44 मीटर लंबी है, उसकी पौड़ाई जो है वो 6 मीटर की है, ब्रेथ जो 6 मीटर है। गुजरात अंबुजा सीमेंट लिमिटेड ने ये जेटी कंस्ट्रक्ट किया है मुगदला पोर्ट के ऊपर, यहाँ से इंपोर्ट किया जा रहा है सीमेंट फ्रॉम मूल द्वार का। फिर है हजीरा पोर्ट लिमिटेड जो है ये प्राइवेट पार्ट है इसका, और यहाँ से LNG का कार्गो जो है वो हैंडल हो रहा है। फिर है KRIBHCO जेटी, ये अनयूज्ड जेटी है यहाँ पे, और ये सूरत के नज़दीक एग्जिस्टिंग इसका कहते हैं राफ की बात करें तो 145 मीटर बाय 40 और रैंप जो है 72.5 मीटर इनटू 20 मीटर देखने के लिए मिलता है, और ये 2010 नवंबर से ऑपरेशनल है जेटी। फिर आता है आपका हजीरा पोर्ट जो है इसको सूरत पोर्ट भी बोल देते हैं क्योंकि सूरत के नज़दीक है, मेनली सूरत से जो चीज़ें आयात निर्यात हो रही हैं या कच्चा माल या बना हुआ जो माल है वो इस पोर्ट के द्वारा जाता है या आता है। यहाँ पे डीप वाटर LNG टर्मिनल है, मल्टी कार्गो डीप वाटर पोर्ट है, 20 माइल्स दूर है ये सूरत से। ये हजीरा पोर्ट जो डेवलप किया गया है वो हजीरा पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड HPPL के द्वारा डेवलप किया गया है। LNG का फैसिलिटी यहाँ पे ऑपरेशनल है,
है और यहाँ पे कार्गो पोर्ट का डेवलपमेंट भी हुआ है। ज्वाइंट वेंचर शेल गैस बीवी और टोटल गैस इलेक्ट्रिसिटी होल्डिंग फ्रांस जो है, इन दोनों के द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया है। शेल गैस जो है वो 74% इसका वेंचर होल्ड करता है, जबकि टोटल गैस इलेक्ट्रिक जो है उसका बाकी का शेयर हमें देखने के लिए मिलता है 26% का। फिर अदानी हजीरा पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये स्ट्रेटेजिकली इसके वेस्ट पार्ट के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। इसकी जो लोकेशन है वो 21° 6' नॉर्थ एंड नॉर्थ लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश और रेखांश जो है 72° 37' ईस्ट में हमें देखने के लिए मिलती है। इस पोर्ट से सभी टाइप के कार्गो हैंडल होते हैं, जैसे कि बल्क, ब्रेक बल्क, बल्क लिक्विड केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एडिबल ऑयल्स, कंटेनर्स, ऑटोमोटिव एंड क्रूड, सभी प्रकार के जो कार्गोज हैं उसकी हैंडलिंग होती है। अदानी हजीरा पोर्ट जो है ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के ऊपर लोकेटेड है। ये वेस्ट कोस्ट इंडिया का मेजर पार्ट का जो इंडियन ट्रेड है वो अदानी हजीरा पोर्ट से किया जा रहा है। एक्सीलेंट मल्टी मॉडल पोर्ट है ये और इसकी अच्छी कनेक्टिविटी है नॉर्थ से, नॉर्थ वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया से। ये पोर्ट लोकेटेड है इंडिया के एकदम सेंटर के अंदर, इसलिए यहाँ पे इंडिया का बिगेस्ट केमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर के रूप में इसको जाना जाता है। खास करके साउथ गुजरात वापी से वडोदरा तक के जो भी केमिकल्स हैं वो सब इस पोर्ट के द्वारा, अदानी पोर्ट के द्वारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहे हैं, इसलिए इसको ट्रेड गेटवे टू यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका एंड मिडल ईस्ट भी कहा जाता है। ये काफी कन्वीनियंट कहते हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में है। ये भी प्राइवेट कहते हैं पोर्ट है अदानी हजीरा पोर्ट। तो ये हमारे गुजरात के पोर्ट्स हुए, यहाँ पे एंड होते हैं। नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक जो बचता है इस यूनिट के अंदर वो है ट्रेड व्यापार, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।